वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं आज। वायरलेस कम्युनिकेशन, पहले हिस्ट्री देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की। मार्कोनी साहब ने इन्वेंट किया वायरलेस टेलीग्राफ 1896। इससे पहले भी काफी काम हो चुके थे, मेन में बता रहा हूं आपको। मार्कोनी साहब ने इन्वेंट किया वायरलेस टेलीग्राफ 1896 में, और इसमें था कम्युनिकेशन जिसमें इनकोड किया था अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एनालॉग सिग्नल में, और फिर इसे भेजा था टेलीग्राफिक सिग्नल के जरिए अटलांटिक ओशन के क्रॉस। 1914 में पहला वॉइस कम्युनिकेशन किया गया रेडियो वेव्स द्वारा, वॉइस कम्युनिकेशन रेडियो द्वारा। फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुए 1960 के दशक के बाद, और फिर कई एडवांसेस हुए वायरलेस टेक्नोलॉजी में, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल टेलीफोन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और आज हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो देख ही रहे हैं, वायरलेस नेटवर्किंग है, सेलुलर टेक्नोलॉजी है, और एडवांस हो रही है, 4G तक पहुंच चुकी है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन है क्या? अगर हम चाहें कि वॉइस और डेटा, देखिए वॉइस अलग होता है, डेटा अलग होता है। जो आप टेलीफोन पे सुनते हैं वो वॉइस होता है, और जो आपके टेलीफोन वायर से आप जब इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, जो ब्रॉडबैंड अगर आपके घर में होगा, तो जो डेटा आता है वो अलग आता है, वॉइस अलग है। तो वॉइस और डेटा को अगर आप भेजना चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कहां, ओपन स्पेस में, एटमॉस्फेयर में, यानी कि ये अनगाइडेड मीडिया है, कोई गाइडेड नहीं है। जैसे अगर वायर के थ्रू भेजते हैं तो ये गाइडेड मीडिया हो जाता है। वायर है इसमें, कॉपर है इसके अंदर, कॉपर वायर, या फिर आपके पास मान लीजिए फाइबर है, यहाँ पर आप लाइट भेजते हैं और लाइट इस तरीके से इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ चल जाती है, तो गाइडेड मीडिया है, यहाँ आपका अनगाइडेड मीडिया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ये 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है चलने की। इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अगर आप, इसका बहुत सिंपल रिलेशनशिप है, यहाँ पर स्पीड जो है उसको आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और इस तरीके से आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम वेवलेंथ होगा, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आप देखें तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। और रेडियो वेव्स की अगर बात करें तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है, लेकिन वेवलेंथ उनकी बहुत ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका मतलब यह है कि उतना ज्यादा हाई एनर्जी फोटॉन्स है, यानी कि अगर गामा रेज आपके शरीर में जाए तो आपको नुकसान होगा। रेडियो वेव्स आपके आसपास हर जगह पे है, कोई नुकसान नहीं। तो जितना ज्यादा एनर्जी फोटॉन आपके पास होंगे उतना ज्यादा पेनेट्रेटिंग है रेडिएशन। अब टाइप देखें वायरलेस कम्युनिकेशन के, इसमें आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो सकता है जैसे ये दो मोबाइल्स में हो रहा है, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन होता है जैसे ये तीन लैपटॉप्स में अलग अलग हो रहा है, ये आपका सेलुलर है, ये आपका वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क बनाया हुआ आपने, ऐसी ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है जैसे रेडियो में होता है, एक रेडियो स्टेशन होता है ब्रॉडकास्ट करता है, सारे रेडियो या सारे चैनल जो है इसको ट्यून करके इस फ्रिक्वेंसी में सुन सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है, इसमें देखिए अलग अलग है आपके विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमें दिखाई देता है वो तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक है, यानी 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक है ये। इसके अलावा यहाँ गामा रे से शुरू करिए, ये लॉन्गर रेडियो वेव्स तक जाता है, यहाँ पर बहुत बड़ी माउंटेन जितनी भी आपकी वेव्स हो सकती हैं। कुछ टेक्नोलॉजी का अगर वेवलेंथ देखना चाहें तो जीएसएम फोन्स हैं आपके, फ्रिक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज़ हैं, ऐसी अगर आगे की बात करें तो आपके 1800 पे हैं, जो यूएमटीएस है 3G, फिर 2100 तक भी है, ये सब 4G वगैरह इसमें आ रहे हैं। वेवलेंथ जीएसएम फोन की करीब 33 सेंटीमीटर है। ऐसे ही आपका पीसीएस फोन है जो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ है, 70.5 उसकी सेंटीमीटर उसकी वेवलेंथ है। ब्लूटूथ है फ्रीक्वेंसी, ये फ्री फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, वेवलेंथ इसकी 12.5 सेंटीमीटर है ब्लूटूथ की। तो अलग अलग के अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरियर्स होते हैं। जो सेंडर है और रिसीवर है उसकी अगर डिस्टेंस शॉर्ट है, जैसे मान लीजिए आपके सामने टीवी है, आप रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं तो वहां पर इंफ्रारेड वेव्स से काम होता है यार। आप देखिएगा आपका जो रिमोट होगा उसके सामने लाल सी लाइट जल रही होगी, उस लाल लाइट से ही आप छोटे डिस्टेंस पे IR कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक तरीके से आप सिग्नल भेज रहे हैं। और जो लॉन्ग रेंज डिस्टेंसेज हैं, जो सेंडर रिसीवर के डिस्टेंस काफी बड़ा है, जैसे टीवी ब्रॉडकास्टिंग है या सेलुलर सर्विस है, तो आप माइक्रोवेव भी यूज कर सकते हैं, रेडियो वेव भी यूज कर सकते हैं। तो रेडियो वेव्स आइडियल है जब
आपके पास लार्ज एरिया आपको कवर करना है, क्योंकि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, और जो ऑब्स्टेकल बीच में आ रहे हैं तो उसको ये, जैसे ऑब्स्टेकल है ये, तो इसको ये क्रॉस कर जाएगा, और हमेशा वेव्स में, इन सारे वेव्स में बेंडिंग की विधा तो होती है, तो ये बेंड कर जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो भी सुन पाएगा इस तरीके से, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेंडिंग होती है। ऐसी माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव्स जब लार्ज एरिया तो है आपके पास, और जहां पर, और यहाँ पर ऑब्स्टेकल है तो रेडियो वेव करने हैं, जब ऑब्स्टेकल नहीं है वहां पर आप माइक्रोवेव यूज करें, क्योंकि माइक्रोवेव ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर पाती है केवल वेवलेंथ के कारण। तो वायरलेस एप्लीकेशन में आप रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो है, वायरलेस नेटवर्क्स है, सेलुलर फोन्स है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास रिमोट है उससे यूज कर सकते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन के, सबसे पहले तो एडवांटेज समझिए, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज में आता है कि सबसे पहले आप मोबिलिटी, आप वायरलेस है तो कोई वायर को कनेक्ट करना नहीं है आपको, आपके हाथ में आप बस लेके घूमते रहिए। और जो वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये हमेशा ऐसे जगह के लिए सॉल्यूशन है जहां पर आप केबल इंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे कोई हैजार्डस एरिया है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस एरिया है, कोई हॉस्टाइल एरिया है, उन सब जगह में आप वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क का ही उपयोग करते हैं। और वायरलेस है तो इजी टू मेंटेन है, कोई ऐसा नहीं है कि वायर डला हुआ है, कहीं कुछ काटपीट हो गई या कुछ खराब हो गया, वायरलेस है आपने जो अनगाइडेड मीडिया है वो आपकी मदद कर रहा है। डिसएडवांटेज क्या है फिर, जो वायरलेस कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज क्या है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन का सबसे पहला डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर आप सेंडर से भेज रहे हैं, रिसीवर ले रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है आपकी वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। अगर सिक्योरिटी यहाँ पर जो वेव्स आ रही है उसको कोई भी सब सारे के सारे, ये रिसीवर है तो यहाँ भी तो रिसीवर हो सकता है, वो किसी और का रिसीवर हो सकता है, फिर कैसे करेंगे। एक तो जो इनिशियल सेटअप है सेंडर रिसीवर का, उसके लिए काफी पैसा लगता है, मतलब इनिशियल सेटअप का कॉस्ट ज्यादा है। और जिस तरीके से वायर्ड कम्युनिकेशन होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन में हमेशा आपके कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन आ गई, यानी कोई बादल आ गया, बरसात हो गई, और जो दूसरे वायरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर आप भी भेज रहे हैं, कोई और भी तो भेज रहा होगा, कोई और एसआर भी होगा, वही भेज रहा होगा, तो इंटरफेरेंस हो सकता है। जो फ्रीक्वेंसी कैरियर्स हैं, या फिर इनको हम चैनल्स भी कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कैरियर या चैनल की बात करें, जो इन्फॉर्मेशन हम सेंडर से रिसीवर तक भेज रहे हैं, वो किसी तरीके से एक आप कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी बैंड में भेजते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी बैंड मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक एक फ्रीक्वेंसी दी है उसमें आप भेज रहे हैं, इसी को हम चैनल कर रहे हैं। अलग अलग ये चैनल्स होते हैं, हर एक चैनल की एक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होती है और उसकी कोई कैपेसिटी होती है। जैसे ये फ्रीक्वेंसी आपकी है, इसको हम किलोहर्ट्ज़ में ले लेते हैं, और इसका कोई ना कोई जरूर कैपेसिटी होगी, कितने बिट रेट है कैपेसिटी। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड, जैसे हम चैनल की बात करें, अलग अलग चैनल की बात करें, वो हम यूज कर सकते हैं ट्रांसमिट करने के लिए पैरेलली, मतलब ये मान लीजिए ये दो बैंड है, तो यहाँ पर एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पैरेलली भेज सकते हैं, और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे। एक थोड़ा सा एक डिफरेंस यहाँ पर, एक जो गैप होता है, ओवरलैपिंग जिसे कहते हैं, वो रहेगा, लेकिन बाकी आप आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन पैरेलल इंडिपेंडेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपका एक स्पेक्ट्रम है जो 90 किलोहर्ट्ज का है, जो आपका लोकेट किया गया है बेस फ्रिक्वेंसी, जिसकी बी है कम्युनिकेशन के लिए, ए से बी आपको कम्युनिकेट करना है, तो ये आपका ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है। अब आप अज्यूम करिए कि इस 90 किलोहर्ट्ज और जो बेस फ्रिक्वेंसी बी दी गई है, और आपके पास मान लीजिए हर एक चैनल 30 किलोहर्ट्ज का, तो कितने हो गए 30 3 यानी कि 90 किलोहर्ट्ज, तो तीन चैनल हैं आपके पास, और हर एक चैनल मान लीजिए सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स का मतलब होता है ट्रांसमिशन एक ही जगह एक ही साइड में हो पाएगा, और इसी तरीके सिंप्लेक्स के साथ दूसरा ड्यूप्लेक्स होता है कि कम्युनिकेशन दोनों साइड हो पाएगा, उसे हम ड्यूप्लेक्स कहते हैं। तो ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है, और जो फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन जिसमें मैं बता रहा हूँ दोनों साइड, तो इसमें आपको दो डिफरेंट चैनल चाहिए होंगे, एक फ्रंट के लिए और रिवर्स चैनल, और यहाँ पर हम टाइम डिवीजन यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन किया ना, फ्रीक्वेंसी को बांटा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब भेज रहे हैं तो एक टाइम पे भेजें, और जब दूसरा भेज रहे हैं तो दूसरे टाइम पे, तो इसको T1 टाइम दे दें, और जैसे ही T1 खत्म हो T2 चल जाएगा, जैसे T2 खत्म होगा फिर से पहला वाला भेजने के लिए तैयार हो जाएगा, तो टाइम डिवीजन आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए स्टेशन ए है, चैनल वन है, तो बी आपका बेस फ्रिक्वेंसी है, तो बी से लेकर बी 30 तक, जैसे 90 किलो हर्ट्ज मिला है ना, तो आप जैसे बी आप जीरो से शुरू करते हैं, तो जीरो से 30 जो है पहला, 30 से 60 दूसरा, और 60 से 90 तीसरा, ऐसे कम्युनिकेशन होगा अलग अलग चैनल में। तो रेडियो वेव का जनरेशन कैसा होता है, पहले ये तो समझिए कि रेडियो आ कहाँ से रही है, कैसे जनरेट हो रही है। जब एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि जब आप यहाँ से सेंडर ऐसे रिसीवर की बात हो रही है, तो यहाँ से भेजना है, वैसे रिसीव करना, तो ये भेज कैसे रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएंगी कैसे, जैसे सन से जो आती है, हमारे पास सन की जो रेडिएशन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आ रही है,
वो सब इसलिए होती है कि सन में या जो भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ आपके एक्शंस हो रहे हैं, कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, फिजन फ्यूजन एक्सेट्रा हो रहे हैं, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव होता है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आती है, फिर वो जब भी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो करता है, थ्रो करता है। इसी तरीके से जो अल्टरनेटिंग करंट, हम अपने आप कैसे पता करेंगे इसको, तो जब एक हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम एसी कह रहे हैं, जब भी हम इसको पास करेंगे कॉपर कंडक्टर से, हाई फ्रिक्वेंसी ध्यान दीजिएगा, हाई फ्रिक्वेंसी एसी एक पास करेंगे जब एक कॉपर कंडक्टर से, तो ये जनरेट करता है रेडियो वेव्स, और वो प्रोपोगेट आप कर सकते हैं एयर में थ्रू सर्टेन एंटेना। तो यहाँ पर एंटेना है, एंटेना में ये अल्टरनेटिंग करंट भेज रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कॉपर कंडक्टर में जा रहा है, जैसे ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जो कॉपर कंडक्टर में जैसे ही करंट जाएगा ये एक रेडियो वेव जनरेट करेगा, और रेडियो वेव जनरेट करेगा उसको हम यहाँ पर एक ट्रांसमीटर के द्वारा के थ्रू भेज सकते हैं। तो रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी आप देखिए 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक जा रही है, 3 हर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, 3 हर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। देखिए सब में 3-3 है, तो जैसे 3 हर्ट्ज़ से आप 300 तक जा रहे हैं तो लो फ्रिक्वेंसी है आपका, 300 से 30 किलोहर्ट्ज़ से लेकर, ये हर्ट्ज़ से किलोहर्ट्ज़ चले गए, किलोहर्ट्ज़ से मेगाहर्ट्ज़ चले गए, मेगाहर्ट्ज़ से 30 से मेगाहर्ट्ज़ पर है 300, अब 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक चले गए, लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। तो रेडियो प्रोपेगेशन देखिए ये आपका एक तरीके से अगर आप भेज रहे हैं, और जब आप यहां से भेजा और आपको ज़्यादा मिला तो इसे हम गेन कहते हैं, आपने जब भेजा और आपको कम मिला तो इसे हम लॉस कहते हैं रेडियो प्रोपेगेशन का, क्योंकि ये सिंपल वेव्स हैं, वेव्स आप जानते हैं कभी ये वेव्स की तरह काम करते हैं, कभी ये आपकी पार्टिकल की तरह काम करती है, दोनों ही प्रॉपर्टीज होती है वेव में। इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट भी होते हैं, रिफ्लेक्ट भी होते हैं, स्कैटर भी होते हैं। स्कैटर अगर आपके पास रफ सरफेस है तो यहाँ पर अलग अलग तरह की आपकी स्कैटरिंग हो सकती है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तो रेडियो वेव्स जो जनरेट करते हैं आप एंटीना से, ये हम सारे डायरेक्शन में भेज सकते हैं, और इसी में अगर हम एंटीना गेन की बात करें तो इसकी डायरेक्टिविटी होती है एंटीना गेन की, जो एक ही डायरेक्शन में आपका कम्युनिकेशन कर रही है। ये तो अभी ओमनी है, ये कहीं भी भेज सकता है, पूरी जगह भेजेगा, लेकिन इसका अगर एंटीना गेन बढ़ा दे तो एक ही डायरेक्शन में भेजेगा। रेडियो वेव ट्रैवल करती है इस स्पीड पे, हम जानते हैं कि 3×10⁸ पे, और जो रेडियो वेव्स हैं ये जैसे ही आप यहाँ से लेकर जब शुरुआत करेंगे उसके बाद ये जैसे आगे जाएंगी तो ये डीजनरेट होती है, यानी ये एनर्जी लूज करती है, डीजनरेशन होता है। तो 3 टाइप के प्रोपोगेशन हो सकते हैं, एक तो सर्फेस मोड है, इसी को हम ग्राउंड वेव, स्काई वेव्स इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एक आपका सर्फेस मोड है जिसमें लो फ्रिक्वेंसी वेव्स जाती है, एक आपका डायरेक्ट मोड है जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स जाती है, और एक आयनोस्फेरिक मोड है जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स जाती है। जब हम आयनोस्फेयर का उपयोग करते हैं, क्योंकि आयनोस्फेयर में आपके आयन्स है, फ्री आयन्स है, तो वो बहुत अच्छा एक हमको तरीका देते हैं या फिर एक मेथड देते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो उनसे टकरा के वापस आती है। मॉड्यूलेशन हम कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन मतलब हम किसी तरीके से अपना डेटा भेजना चाहते हैं और वो किसी कारण से जा नहीं पा रहा है या तरीका नहीं है, तो हम जो जा सकता है उसके ऊपर इसे बिठा देते हैं। तो मॉड्यूलेशन का मतलब यह है किसी तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को, जैसे वॉइस को ऐड कर दें किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो सिग्नल में, तो जैसे मॉड्यूलेटिंग ये वेव हो है, ये कैरियर वेव अंदर को जोड़ दिया तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन बनेगा, इसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। देखिए एग्जांपल है, ये आपका सिग्नल है, आपने अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया है, एम्पलीट्यूड इसमें है, अलग अलग एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है, 2 एम्पलीट्यूड को जोड़ दिया तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे, देखिए आप एम्पलीट्यूड यहाँ इसमें एम्पलीट्यूड चेंज है, यानी कि इसमें चेंज है, यहाँ पर ये सेम है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज है, यहाँ ज़्यादा आपको है, कहीं ज़्यादा यहाँ कम है, तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी में इंटरफेरेंस भी होता है, क्योंकि अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी एक साथ आ रही है तो अगर आसपास होंगी तो एक वो इंटरप्ट करेंगी करेंगी, तो ये इंटरप्शन हो सकता है, उसके कारण इंटरप्शन ज़्यादा होगा तो डीजनरेशन भी होता है, तो ये इंटरफेरेंस डीजनरेशन भी है, ये प्रॉब्लम है इसमें। और रेडियो सिग्नल का एटीन्यूएशन होता है, एटीन्यूएशन का मतलब ये है कि बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, उसमें फेडिंग है, मल्टी पाथ है, तो पाथ लॉस तो होगा जब आप यहाँ से वहाँ भेजेंगे, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे फ्री पाथ लॉस है, फ्री स्पेस पाथ लॉस कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वेव आप भेज रहे हैं ये मीडियम के थ्रू जाएगी, मीडियम है कहीं ना कहीं रोकेगा इसको, कोई ना कोई एब्जॉर्प्शन करेगा किसी तरीके से, स्कैटरिंग कर देगा, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसके बाद आपको वीक वेव मिलेगी। इससे कोशिश ये रहती है कि हम इसको इतना पावर में भेजें कि हमको जो रिसीवर है साइड में इतना मिले, जिसे हम लिंक मार्जिन या लिंक बजट कहते हैं, इतना मिले कि रिसीवर की जो सेंसिटिविटी है उससे ऊपर आपको एक वैल्यू मिले। तो ये हमने बहुत बेसिक बात की आज जो वायरलेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका।